सुबह 10 बजे जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध अवस्था में की गई गोली मारकर हत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तुम्हारा शिवू यादव सतीश चंद्र यादव का पुत्री है, सबसे छोटकी। क्या घटना हुआ था? घटना कुछ नहीं हुआ था। पापा और भैया बनारस गए थे, बनारस से लौट रहे थे और वो रास्ते में देखे आके गाड़ी के सामने अपना बाइक लगा दिए। कौन लगा दिया? जगत सिंह। उसके बाद पापा कांच खोले तो पापा का चाबी निकाल लिए, फोर व्हीलर का। तो पापा गेट खोले, गेट से बाहर आए, उसी गेट खोले, हाथ पकड़ के जगत सिंह अपने घर में ला के वही चाबी से मुक्का से 2 मुक्का मारे हैं और मारे हैं, मुझे ने उतना पता नहीं है। फिर उसके बाद मेरे भैया कुछ बोले नहीं, चुम मार के लेके चले आए घर। ये सब की बात है कल की? आज कल की। कल आज क्या हुआ? आज फिर आज क्या? थाने पे से फोन आया था, वो थाने पे गया था। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि थाने पे आओ कल 10 बजे। आपके पिताजी बुलाए? पुलिस वाले बुलाए मेरे पिताजी को। जगत सिंह बोले कि आके थाने पे आओ। पापा बोले ठीक हम आएंगे, तैयार होके गए थे। बस पापा का पिस्टल छोड़ के पापा को ही गोली मार दिए। कितने राउंड चलाए गोली? एक राउंड चला है अभी पता नहीं, बस एक राउंड दिख रहा है। कहाँ लगा था गोली? कौन सी जगह मारे हैं? मतलब कि जगह कहाँ, मतलब जगह कौन सी? जगत के घर के सामने। घर के सामने? घर कहाँ था? वही। घर का पता क्या है? इस घर का गोसाईपुर। गोसाईपुर। और जहाँ पे गोली चली है वहाँ? नवापुर में गोली चली। चैनपुर में चली है। पापा का पिस्टल छोड़े है, पापा का धागा उसी में लगा है। तो आपके भाई को भी गोली लगी है क्या? नहीं नहीं, भाई घर पे थे। अच्छा, अकेले थाने पे जा रहे थे। अकेले पिताजी थाने जा रहे थे जी। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री सतीश चंद्र यादव। आज दिनांक 23/8/2023 को थाना नेवढिया अंतर्गत ग्राम गोसाईपुर में जगत सिंह के मकान के सामने सड़क पर गोसाईपुर के ही निवासी सतीश यादव की फायर आर्म इंजरी से गंभीर अवस्था में घायल लुहलुहान सड़क पर पड़े हुए थे। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ घायल सतीश यादव को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कराए जा रहे हैं और इस घटना के संबंध में तहरीर के अनुसार समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव का अंत्य परीक्षण की कार्यवाही कराई जा रही है और इस घटनाक्रम में जो भी दोषी आरोपी होंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।